केन्द्रझर जिले के महिला आयोग द्वारा कैब को उठे आने की अदालत से शिविर लगाया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवतियों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को रोकना, दुनिया में मानवाधिकार को बचाना और साथ ही पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाना था। आपको बता दें कि इस अवसर पर 20 नवंबर को महिला आयोग द्वारा ये शिविर लगाया गया, जिसमें 51 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में ही 49 मामलों पर सुनवाई की गई। शिविर में जिला कलेक्टर आशीष ठाकरे, महिला आयोग की सदस्य स्नेहांजलि मौजूद रही। महिला आयोग की सदस्य स्नेहांजलि इस दौरान वहां मौजूद थी। आपको बता दें कि 49 मामलों को शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में ही सुना गया। इसी बिल मूल उद्देश्य है जस्टिस एट डोर स्टेप। ओके, इसमें 51 केसेस है, 3 केसेस हैव ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड 1 केस वी हैव सेट फॉर इंक्वायरी थ्रू पुलिस पर्सनल, लोकल पुलिस पर्सनल एंड अनदर केसेस दे आर गोइंग ऑन। इट इज नाउ इट इज एन माने हियरिंग प्रोसेस। एंड सेकंड थिंग इज मेनली केसेस आर फ्रॉम लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, पब्लिक प्लेस वायलेंस, वर्क प्लेस हरासमेंट। लाइक तो वही इस खबर का जानता है कि हमारे साथ निर्मल चंद्र नायक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। निर्मल, जिस तरह से एक शिविर लगाया गया, आखिर क्या कुछ उद्देश्य इस शिविर के पीछे रहा? देखिए समझिए, ये जो हो रहा है कैंप कोड हो रहा है, इसमें मूल उद्देश्य जैसे नारी को कैसे सुरक्षा मिल पाएगा, बच्चों को कैसे मिल पाएगा, इस तरह की जो घटनाएं घट रहे हैं दिनों दिन बढ़ रहा है, चरखा में बढ़ रहा है, जैसे डाउरी केस आ रहा है, बहुत सारा ऐसा केस है जिससे लड़की लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको सुधारने के लिए कोर्ट अपने घर आया। इससे इस दौरान से आज केन्द्रझर में केन्द्रझर मुख्यालय में ये वाला हुआ कैंप कट हुआ। निर्मल, कितने मामलों की सुनवाई इस दौरान की गई आज? अभी तक तो पहले थे 51 हुआ था, कोर्ट को सॉल्व हुआ था, अभी तक लगभग 170 से अधिक हुआ है। अभी तक जो ताजे हालत के अनुसार पूरा अभी समाधान हो चुका। अब बहुत सारे केस ऐसे हैं जैसे दोनों पार्टी मिलके इसको समाधान कर रहे हैं, जैसे उनका फिर से घर बस जाएगा, इसमें पूरा इसको देख रेख हुआ और दोनों ग्रुप को मिलाया गया इसमें। निर्मल, कौन से वो मामले रहे जो मुख्य, ऐसे कौन से मामले रहे जो खास तौर पर इस शिविर में सामने आए? जैसे मुख्य ऐसे जैसे महिला का ज्यादा हो रहा है, जैसे उनका आक्रमण हो रहा है, मानो पति और पत्नी को जो मतांतर हो रहा है, उनको ठीक से कैसे फिर से बसा जाएगा, और जो बच्चों को आदत नहीं कर सकते हैं, जिसको पिता माता घर में छोड़ते, उसको कैसे लेके एक फैमिली के रहकर जो इच्छा है उनका जो हो रहा है, जो फैमिली के अच्छा से कैसे रह पाएंगे, वो इस तरह ये फैमिली वाला आपको ज्यादा चला है। दोबारा से इस तरह के शिविर जिले भर में लगाए जाएंगे? असल ये जो हो रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट तरफ से हो रहा है, ये हर जिले में हो रहा है। देखते हैं कितना केस है, इसके बाद कौन सा जिला में होगा, केन्द्र में कब आएगा। जी निर्मल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा हर जिले में इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां खास तौर पर जो महिलाओं की समस्या है, उन समस्याओं को न सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि उनका समाधान भी तुरंत ही किया जा रहा है। तो वहीं केन्दुझार में भी इसी कड़ी में शिविर लगाया गया था, जहां 49 मामलों पर आज सुनवाई की गई।